मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर एक क्षेत्र में खरा उतरने का प्रयास किया है और उसके सकारात्मक परिणाम भी जनता के सामने हैं। प्रदेश के लोगों को सुरक्षा का माहौल मिला है, उनकी आस्था का सम्मान हुआ है, बिना भेदभाव विकास की परियोजनाओं और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है। अब हम विधानसभा चुनाव में एक नई अग्नि परीक्षा में उतर रहे हैं। हमारे 5 साल का कार्यकाल जनता के सामने है। जनता हमारे कार्यों का मूल्यांकन करेगी और सुरक्षा विकास के पथ पर बढ़ रहे प्रदेश के हित में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में योगदान देगी। सीएम योगी शुक्रवार को शहर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा, 5 साल तक भाजपा सरकार और संगठन ने मिलकर प्रदेश में सुरक्षा विकास और सुशासन का परिणाम दिया है। आज कोई भी प्रदेश और देश के नेतृत्व को लेकर नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से परे बीजेपी की सरकार ने हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दी है। गरीबों को मकान, शौचालय समेत हर पात्र को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम एक नई अग्नि परीक्षा में उतर रहे हैं, इसलिए जो परिणाम अपेक्षित है उसके लिए हर कार्यकर्ता खुद भाजपा का सिंबल बनकर घर घर जाए और प्रचंड बहुमत की जीत में अपना योगदान दे। नामांकन सभा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री शाह ने अपने दम पर यूपी में भाजपा की ताकत का एहसास कराया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठन प्रारंभ से ही था, पर कोई भी संगठन जीवंत होना चाहिए और इस दिशा में सर्वाधिक योगदान अमित शाह का है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में अभूतपूर्व सफलता दिलाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3/4 सीटें दिलाकर उन्होंने बीजेपी की मजबूती का एहसास विपक्षी दलों को कराया। सीएम योगी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब महागठबंधन बना तो लोग यह सोचते थे कि अब बीजेपी का क्या होगा। तब श्री शाह कहते थे कि 63 से 65 से कम सीटें हमें नहीं मिलेंगी। सहयोगी दलों के साथ 64 सीटें जिताकर उन्होंने महागठबंधन को धराशायी कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने में श्री शाह का बड़ा योगदान है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब उन्हें गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला तो उन्होंने पहली सौगात कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने की दी। आज धारा 370 समाप्त होने से आतंकवाद का नामोनिशान मिट गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री श्री शाह के नेतृत्व में दूसरी बड़ी सौगात अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की मिली है। No!
काटो भैया। जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश संगठन का काम सुचारू ढंग से चल रहा है, ऐसे सहज सरल व्यक्तित्व के धनुष उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार भरने वाले। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आपके सर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अपना दल के अध्यक्ष माननीय श्री आशीष पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, महायोगी भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरती पर आज मुझे हमारी पार्टी के द्वारा गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का मैं इस अवसर पर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दुनिया के एक यशस्वी लोकतांत्रिक संगठन के रूप में खड़ा करने के साथ ही 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो इस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का और दूसरा जो कार्य है 500 वर्षों के संविधान को जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आज आपका गोरखपुर में इस आयोजन में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ही गोरखपुर के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रारंभ से था, लेकिन एक जीवंत संगठन होना चाहिए और अपने दम पर, अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ लेकर के न केवल देश के सबसे बड़े राज्य में अपना वर्चस्व और अपनी ताकत का दिखाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में माननीय अमित शाह जी ने जब 2013 में इस दायित्व का निर्वहन किया तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 3/4 से अधिक सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा की दिलवा करके उस समय अपने कुशल संगठन क्षमता और भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास अपने राजनीतिक विरोधियों को कराया था और 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में, और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटों अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। आज माननीय अमित शाह जी का सानिध्य हम सबको यहां पर इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबकी ओर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीति को प्रतिद्वंदता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव किसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जिन दंगों से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को देखना भी बहुत आसान हो जाता है। और 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा निरंतर हमें इन क्षेत्रों में प्राप्त होती रही। आज जब
पांच वर्ष कि अपने इस कार्यकाल के साथ ही एक नई अग्नि परीक्षा के साथ हम सब कर रहे हैं। इस अवसर पर आज नामांकन के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी माननीय गृहमंत्री जी का सानिध्य गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का जहां पर प्राप्त हो रहा है, मैं एक बार फिर से महावीर भगवान गोरख सिंह आपकी इस पावन धरती पर माननीय गृहमंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और आगंतुक सभी अतिथियों का और आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विश्वास, हम सबका यही विश्वास होना चाहिए कि परिणाम उत्तर प्रदेश से अपेक्षित है। उस परिणाम को देने के लिए हर एक कार्यकर्ता स्वयं में अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बन करके वहां अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजय प्रदान करने में अपना योगदान देगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में अपना दल के नेता माननीय श्री आशीष पटेल जी भी और निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर हमारे गठबंधन के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, ये भी आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं। हमारे अन्य माननीय विधायक दल भी यहां पर आए हैं। डुमरियागंज से श्री राघवेंद्र सिंह जी हैं, सैजलिया से शीतल पांडे जी हैं, मैदारोड से श्री राकेश सिंह बघेल जी हैं और भी अपने शिष्यों से हमारे वहां के माननीय विधायक पटेल जी आज यहां कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आप सभी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको इस पूरे कार्यक्रम के प्रति लग करके बढ़ करके और हम लोग बिना किसी रुके थके डिगे लक्ष्य को प्राप्त करने के सारे और भी प्रयास करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप आए, क्योंकि कल सायकाल से लगातार बारिश, रात्रि भर बारिश थी, सुबह ही बारिश थी और सबके बावजूद आप लोगों ने आए, माननीय गृहमंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं मिला, ऐसे देश के पराक्रमी गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। हम सबको सादर मिला उद्बोधन के लिए एक बार तालियों की गर्गराहट के साथ देश के गृहमंत्री जी का शिवा कार्य गुरु गोरखनाथ की पवन सभा।